आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजनगरी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार को ये आंकड़ा 19 नए मरीज बढ़ने के बाद 1100 के पार चला गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी और सरकार भी बेहद गंभीर है। बुधवार को खुद नोडल अधिकारी एम देवराज ने जिला अस्पताल के साथ साथ एसएन मेडिकल कॉलेज और आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसको लेकर सीएमएस सतीश कुमार वर्मा ने जानकारी दी। सबसे पहले परेशानी पूछते हैं, फिर जो उनके मन में है उस हिसाब से चीज़ों को देखते भी हैं और दिशा निर्देश भी समय समय पर देते हैं। कल उसी के क्रम में उन्होंने जिला अस्पताल का 4 बजे करीब डीएम साहब के साथ निरीक्षण किया है। उनके साथ सह आचार्य प्रोफेसर सिन्हा भी थे केजीएमयू से, और उसके बाद उन्होंने आइसोलेशन वार्ड के मरीजों से बात करने की इच्छा जाहिर की, जिसमें दूरभाष से टेलीफोन से उन्होंने किसी मरीज से बात भी की। अस्पताल के बारे में जो भी पूछा हो उन्होंने, जो इतना हम सुन पाए, उन्होंने खाने के बारे में पूछा, व्यवस्था के बारे में मरीज से पूछा, डॉक्टर्स के बारे में, दवाई के बारे में पूछा, और फिर उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी देखने की इच्छा जाहिर की। वहाँ 5-6 मरीज भर्ती थे, उसकी जानकारी ली, फिर उसके बाद वो आउटडोर की तरफ गए। वहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे एक कैसेट चल रहा था, उसको उन्होंने गौर से सुना, उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया। हाँ वही जिला अस्पताल में निरीक्षण में ही हो रहा है ये सब, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी देखा उन्होंने, जिसमें हमने एक मरीजों की जानकारी, आमजन की जानकारी के लिए एक क्लिप हमने लगा रखी है, और उसके बारे में हमने लिखा जो कल का हमको बताया कि हमारे यहाँ करीब 6 मरीज देखे गए हैं, 70 मरीजों को कुत्ता काटे के इंजेक्शन लगाए गए हैं, 88-90 एक्सरे हुए हैं, 11 अल्ट्रासाउंड हुए हैं, 2 सीटी हुए हैं, 16-90 करीब पैथोलॉजी हुई है कल के दिन में, और मेडिकोलीगल का कार्य 24 आवर्स चलता रहा है, इमरजेंसी चलती रहती है, 30 डायलिसिस भी हुई हैं, वैक्सीनेशन जारी है, ये सब नॉर्मल रूटीन में।